अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजीबुर रहमान। पिछली वीडियो में मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था फाइवर के ऊपर, और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने फाइवर अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं और कौन कौन सी मेन सेटिंग्स हैं जो हमें फाइवर अकाउंट में करनी चाहिए, जिससे हमारा अकाउंट जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट की प्रोफेशनल सेटिंग कर सकते हैं, ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल दिखे, प्रोफेशनल लुक दे। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो सेटिंग्स है फाइवर की, बेसिकली जो ये वाली सेटिंग्स है फाइवर की, वो सिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना अकाउंट जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेरीफाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आके रीसेंड ईमेल पे जो है वो क्लिक करूँगा, और उसके बाद आपने अपनी मेल खोल लेनी है। मेल बॉक्स में आपको एक मेल रिसीव होगी फाइवर से, ये देखें ये वाली, और यहाँ से मैं अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लूँगा। यह बटन देख रहे हैं आप, इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा फाइवर की तरफ से, और आपको एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। तो ये देखें, हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। तो हम जो है वो अपने अकाउंट में चल के अपने अकाउंट की अब सेटिंग करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी पिक्चर ऐड करेंगे। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो ये कि आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर यूज़ करें, और पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस जो है वो स्माइली फेस हो। आपने कोई सेल्फ़ी वगैरह नहीं लगानी, जिस तरीके से अक्सर हम सेल्फ़ी जो है वो लेते हैं और वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, वो आपने यहाँ पर सेल्फ़ी नहीं लगानी, एक प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। और मेरे पास एक पिक्चर जो है वो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ये सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास जो ये पिक्चर है मेरे दोस्त की, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी पिक्चर यूज़ करनी ही है, और कोशिश करनी है कि उस पिक्चर में जो आपका फेस है वो स्माइली फेस हो, और वो वाली पिक्चर जो है वो आपने ऐड करनी है, और आपने कोई सेल्फ़ी ऐड नहीं करनी। एक अच्छी और प्रोफेशनल इमेज यहाँ पर ऐड करनी है। और उसके अलावा अगर आप गर्ल्स हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर ऐड करें, अगर आपके लिए कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू है तो वैसे तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर आप कोशिश करें अपनी ही पिक्चर ऐड करें, किसी एक्टर की या किसी गूगल से उठा के किसी की पिक्चर ऐड ना करें। तो उसके बाद सबसे इसके नीचे हम देखेंगे कि एक यहाँ पे पेंसिल का निशान बना हुआ है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हम अपने बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इंट्रो लिखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर वेब की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं अगर लिखता हूँ वर्डप्रेस एक्सपर्ट, अगर आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं आप वो लिख दें, आप विर्चुअल असिस्टेंट हैं यहाँ पे लिख दें विर्चुअल असिस्टेंट एक्सपर्ट, या वर्डप्रेस एक्सपर्ट अगर आप लोगो मेकर हैं तो या फिर लोगो एक्सपर्ट लिख दें, ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सपर्ट लिख दें। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर चलें वर्डप्रेस एक्सपर्ट कर देता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पर आपका जो दिल करता है वो आप यहाँ पर लिख दें। मैं यहाँ पर वर्डप्रेस एक्सपर्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका थोड़ा सा डाटा आ जाएगा फ्रॉम पाकिस्तान और मेंबर सिंस। उसके अलावा यहाँ पे ये फाइवर ने एक चीज़ ऐड की हुई है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ कोर्स जो हैं वो फाइवर रिकमेंड करता है हमें कि आप ये कोर्स जो हैं वो देखें, और उसके बाद जब हम ये कोर्स देखेंगे तो यहाँ पर इस सेक्शन में वो एक बैज लग जाएगा कि ये इस बंदे ने ये कोर्स जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर कोर्सेज़ जो हैं वो पेड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $26, $43, $48, $69। तो मैं आपको एक यहाँ पे कोर्स बताने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप व्यू ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे एंड में जब आप आके देखेंगे तो आपको एक फ्री कोर्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। और ये देखें जी, ये देखें $0 इस कोर्स की फ़ीस है। जब आप ये कोर्स देखेंगे, ये है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल्स का कोर्स बी आर सक्सेसफुल फाइवर सेलर। तो जब आप ये कोर्स देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ये जो बैच आप देख रहे हैं ये वाला, इस तरीके का बैच जो है वो आपकी प्रोफाइल पे इस वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इस कोर्स को लाजमी देखें, ताकि जो है वो इस तरीके का बैच जो है वो आपकी प्रोफाइल पर लग जाए, और ये इससे जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो एक प्रोफेशनल लगेगी, प्रोफेशनल साउंड करेगी। तो ये आप जो है वो आपने कोर्स लाजमी देखना है। उसके बाद यहाँ पे आती है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली होता क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में बताना होता है कि जी आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आप कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, इस तरीके की जो है वो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखनी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आपने किसी की डिस्क्रिप्शन फाइवर से कॉपी नहीं करनी। वैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर जब हम फाइवर ओपन करते हैं तो दो तीन प्रोफाइल्स अगर हम ओपन करें अपनी जो है वो नीश के रिलेटेड, तो
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्रोग्रामिंग टेक में आके यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर और सी एम एस में मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि मेरी नीस जो है वो वर्ड प्रेस है, सी एम एस बिल्डर है। तो यहाँ पे अगर मैं दो तीन बंदों की गिग जो है वो ओपन करके देखता हूँ, उनकी प्रोफाइल विजिट करके देख लेता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि आप जो है वो किस तरीके से अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस बंदे ने लिखा हुआ है कि हाई माई नेम इज़ राफे, आई एम अ वेब डिज़ाइनर, फ्ला फ्ला एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप, और ये वाली चीज़ें जो है, सॉरी, इसकी गिग के बारे में है, हमने ये चीज़ देखनी थी। डिस्क्रिप्शन ये देखें, यहाँ पे इस बंदे की डिस्क्रिप्शन आई हुई है कि जी मेरा नाम जो है वो राफे अहमद है, मैं 17 साल का हूँ। उसके अलावा उसने अपनी जो है वो एक्सपर्टीज़ यहाँ पे शॉपिफाई, एच टी एम एल, वर्ड प्रेस, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, और जो है वो अपनी डिटेल इसने लिखी हुई है। तो इस आपने क्या करना है, दो तीन प्रोफाइल्स को विजिट करना है इसी तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने एक ये ओपन की, दूसरी आपने जो है वो ये वाली ओपन कर लेनी है। इसी तरीके से तीन चार जो है वो आपने लोगों की डिस्क्रिप्शंस जो है वो देखनी है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ से जो है वो कॉपी किसी की नहीं करनी, आपका अकाउंट जो है वो कॉपी करने से डिलीट हो सकता है। गिग चाहे गिग है या डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, कुछ भी है, आप लोगों ने किसी का कुछ कॉपी नहीं करना फाइवर से। और उसके बाद मेरे पास जो है थोड़ा सा मैंने खुद से जो है वो ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको इधर आके अपनी डिस्क्रिप्शन में आप पेस्ट कर दूँगा। आप लोगों ने जो है वो अपने रिलेटेड जो भी है आपका नाम वो आपने यहाँ पे लिख लेना। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, माई नेम इज़, यहाँ पे मैं जवाद खान कर देता हूँ। आप लोगों ने जो है वो अपना नाम और अपने रिलेटेड जो है यहाँ पे बता देना। उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो, सॉरी, इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पेंसिल पे, और बेसिक की जगह मैं कर दूँगा फ्लिंट, और यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आके आप लोगों ने दो तीन जो है वो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। लाइक एक आपने यहाँ पे डच ऐड कर देनी है, और यहाँ पे आके इसको भी फ्लेंड कर देना है, और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने ऐड लैंग्वेज में आके जो है वो फ्रेंच को ऐड कर देना है, और उसके अलावा यहाँ पे आपने इसको भी फ्लेंड कर देना है। अच्छा, बेसिकली इसका फ़ायदा आप हमें क्या होगा कि जो ज़्यादातर हमारे बायर जो हैं, जो हमारी सर्विसेज को बाय करते हैं फाइवर पे, उनका जो बेसिकली ताल्लुक है वो इसी रीजन से है या इसी कंट्रीज से है जहाँ पे ये वाले लैंग्वेजेस, इंग्लिश, डच और फ्रेंच जो हैं वो बोली बोली जाती हैं। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब वो देखेंगे हमारी प्रोफाइल विजिट करेंगे, देखेंगे, तो वो कहेंगे यार अच्छा, इस बंदे को जो है वो डच लैंग्वेज भी आती है, यानी कि मेरी लैंग्वेज इस बंदे को आती है, तो मैं ऐसे बात करूँ। और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बंदा हमसे बात करे और हम उससे ऑर्डर ले लें। तो बेसिकली अब देखिए, हमें तो ये लैंग्वेज आती तो है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, हम फाइवर ट्रांसलेट, सॉरी, गूगल ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, और गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके हम जो है वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उससे बात करेंगे। इसका जो है वो फ़ायदा हमें जो है वो काफ़ी हो सकता है यहाँ पे हमें ऑर्डर लेने में। और उसके अलावा इसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट का जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे फेसबुक, गूगल और कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको जो है वो, अब बेसिकली अब यहाँ पे मेरे जो है, अगर जो मैं आपको बताऊँ तो आप फेसबुक, गूगल और ट्विटर जो है वो ये तीन लाजमी ऐड कीजिएगा, वरना आप इसको ना भी करें तो कोई इशू है नहीं। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए गूगल ऐड कर देता हूँ। बाकी जो है वो आप लोगों ने जो है वो फाइवर, सॉरी, फेसबुक और क्या कहते हैं ट्विटर, ये जो आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स आ जाती हैं, स्किल्स में आके यहाँ पे मैं वर्डप्रेस कर देता हूँ, और वर्डप्रेस जो है वो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपर्ट करके इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझे खुद जो है वो थोड़ा बहुत गाइड भी करेगा। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपके पास तीन चार स्किल्स हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग की भी स्किल है, तो यहाँ पे आप जो है वो वीडियो एडिटिंग की, ये देखिए मुझे थोड़ा सा ये नीचे दिखा रहा है कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आपके रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है, आप वो भी ऐड कर दो। तो आपने तब तक यहाँ पे ये स्किल्स जो हैं वो ऐड करते रहना है जब तक आप जो है आपके पास ये वाला ऐड न्यू का ऑप्शन ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी ये अलाउ करता है उतनी आपने स्किल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे एक अगर मैं अपनी स्किल में रहूँ, वर्डप्रेस में अपनी नीश में रहूँ, तो एक एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो भी जो है वो एक कीवर्ड है यहाँ पे, स्किल्स हैं, मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से मैंने तीन की हैं ऐड, आप लोगों ने इतनी ऐड करनी है कि आपके पास ऐड न्यू का जो ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद एजुकेशन यहाँ पे आ जाती है, तो एजुकेशन में आके आप लोगों ने जो है वो अपनी, यहाँ पे मैं पाकिस्तान, और आपने अपनी जो है वो रियल एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है, या अगर फेक भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई ये वेरीफाई नहीं करता, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। उसके बाद टाइटल यहाँ से आप कुछ भी कर दें, मैं यहाँ पे टाइटल कर देता हूँ ये, और यहाँ पे मेजर जो है वो मेरा है कंप्यूटर साइंस,
और उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बाद जो है वो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप कुछ भी कर दें, मैं यहाँ पे 2020 कर देता हूँ, उसके बाद ऐड कर दें। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है ऐड सर्टिफिकेशन, जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे बेसिकली आप फेक भी ऐड कर दें क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई फाइवर नहीं करता, तो आप किसी भी किस्म का जो है वो सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं क्योंकि वेरीफिकेशन तो फाइवर नहीं यहाँ पे करनी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वर्डप्रेस एक्सपर्ट, ओके, और नीचे जो है वो आप किसी भी कंपनी का नाम लिख दें क्योंकि वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होती, जिस कंपनी का आपको जो है वो नाम दिल करे आप यहाँ पे उसका नाम जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन। यहाँ पे मैं डी जी स्किल जो है वो उनका कर देता हूँ, डी जी स्किल डॉट पी के, और नीचे जो है वो मैं ईयर कर देता हूँ 2022, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।